हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। गाइज लेकर के आ गया हूँ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ इरेजर और शार्पनर का सेट। साथ में हमारे पास है गाइज कुछ पेन का कलेक्शन और साथ में इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज है ना जो कि देख करके आपको मजा ही आ जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में ना कुछ ऐसे इरेजर का सेट मैं आपसे दिखाने वाला हूं जो कि दोस्तों आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको इनमें से कौन सा ऐसा कलेक्शन है जो बहुत ही पसंद आया हो। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। सबसे पहले गाइज हमारे सामने यहां पर रखा हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इरेजर का सेट जो कि है गाइज म्यूजिक इरेजर का सेट, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है एक हमारा हेडफोन देखने को मिल जाता है, साथ में एक पियानो है, ये भी एक पियानो है, एक छोटा पियानो है, एक बड़ा पियानो है, और साथ में यहाँ पर है एक माइक का सेट और साथ में यहाँ पर है एक छोटा सा प्यारा सा गिटार। तो ये म्यूजिक सेट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर आपको मिल जाता है एक दो तीन चार पाँच तरह के म्यूजिक का कलेक्शन है। अगर आपको ये म्यूजिक का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको एक कैसा लगा। ये गाइज मेरे को मिला हुआ है 80 रुपये में, तो 80 रुपये में बहुत ही कमाल का चीज़ है। और साथ में गाइज हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा डायनासोर वाला इरेजर का सेट, ये देखिए गाइज कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना। ये मेरे को मिला हुआ है 5 रुपये में और कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये मुड़ जाता है, बहुत ही कमाल का इरेजर का सेट होता है, 5 रुपये मेरे को मिला हुआ है। और साथ में कहीं हमारे पास अगला कलेक्शन है यहाँ पर एक हैट वाला इरेजर का सेट, ये देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, कलर इसका बहुत ही कमाल का है। इसी में का मेरे पास एक और कलेक्शन है गाइज, ए वाला मोर का इरेजर का सेट, और ये दोनों मेरे को मिला हुआ है 20 रुपये में। ये 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा बना हुआ है ना। साथ में कहीं हमारे पास अगला कलेक्शन है, ये हमारे पास एक मूंगफली वाला इरेजर का सेट, ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि मूंगफली ही है लेकिन एक इरेजर का सेट है गाइज, और कितना प्यारा ये दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए जिस तरह से इसको दाबेंगे ना वैसे ये दब जाता है, ये देखिए तो बहुत ही कमाल का है ना। तो ये मेरे को मिला हुआ है 5 रुपये में और ये मेरे को एक सेट के अंदर मिला हुआ है, अलग से आपको 5 रुपये मिल जाएगा। और अगला सेट हमारे पास है गाइज एक ट्राइंगल वाला इरेजर का सेट, और ये भी बहुत ही कमाल का है, ये डॉम्स के प्रोडक्ट में मेरे को मिला हुआ है और ये भी बहुत ही कमाल का है और ट्राइंगल के शेप में बना हुआ है, तो देख सकते हैं कितना प्यारे दिखाई दे रहा है। अगला सेट है गाइज हमारे पास एक गिटार का इरेजर सेट, ये देखिए और ये भी बहुत ही कमाल का है, ये मेरे को एक स्नैक्स के अनबॉक्सिंग के दौरान मिला था और बहुत ही प्यारा भी दिखाई दे रहा है। और शायद हमारे पास और बहुत सारे इरेजर का सेट है, एक ये इरेजर का सेट है। और हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज इरेजर का सेट में, ये है डॉम्स का हेक्सागन, ये देखिए गाइज न्योन इरेजर सेट है और ये भी बहुत ही प्यारा होता है, आपको एक जो है 5 रुपये में मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 5 रुपये, ये 5 रुपये लिखा हुआ है ना, 5 रुपये मिल जाता है। और इस तरह के मेरे पास 5 से लेकर के 7 तरह के कलेक्शन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइज, और ये बहुत ही कमाल कमाल के सेट में आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे रंग के होते हैं, ये देखिए। तो एक को ना मैं खोल कर दिखाई देता हूँ यार, कितना प्यारा दिखाई देता है, जल्दी से खोल लेते हैं इसको, 1 2 3, वाह गाइज ये देखो है ना कमाल का। तो ये नियोन का इरेजर सेट है, डॉम्स का है, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे कलेक्शन है, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज यहाँ पर कुछ ऐसे शार्पनर जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ, चलो ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल बोट नाव, या फिर एक शूज का सेट है, जूता है, बहुत ही प्यारा भी दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर से गाइज आपको काफ़ी सारे स्पेस मिल जाते हैं, ये देखो इतने ढेर सारे स्पेस मिल जाते हैं। और ये मेरे को मिला हुआ है 10 रुपये में और 10 रुपये में बहुत ही कमाल का है, तो ये कुछ इस तरह का है। अगला कलेक्शन इसी में का एक और है हमारे पास, एक और बोट वाला शार्पनर का सेट, और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तो ये भी मेरे को उतने रुपये मिला हुआ है। और फिर हमारे पास यहाँ पर अगला कलेक्शन है गाइज ये वाला सब्जी वाला इरेजर का सेट, जिसमें आप देख सकते हो ये हमारा बैगन है और ये हमारा लगता है ये इसको शायद सहजन बोलते होंगे और इसमें कुछ और है, और ये बहुत ही प्यारा है और ये मेरे को मिला हुआ है गाइज 15 रुपये का सेट में, तो ये कुछ इस तरह का है। अगला कलेक्शन है गाइज हमारे पास ये है गाइज एक छोटा सा प्लांट है, ये देखिए बिल्कुल प्लांट है और बहुत ही प्यारा ये भी दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो ये भी मेरे को स्नैक्स के अनबॉक्सिंग के दौरान ही मिला हुआ है। और फिर हमारे पास अगला सेट है ये कुछ इस तरह का, ये गाइज एक इरेजर का सेट है, साथ में आपको इसके अंदर शार्पनर मिल जाता है और साथ में मिल जाता है दो भी जो भी डस्ट डस्ट इकट्ठा होता रहेगा और जब आप इरेज करोगे तो उसको इस तरह से आप
हटा भी सकते हो। तो बहुत ही कमाल का इरेजर का सेट है और ये 3-in-1 है। 3-in-1 कैसे है? एक हो गया आपका इरेजर, दो हो गया शार्पनर, तीसरा हो गया ये आपका छोटा सा बहारने वाला, इस तरह से करने वाला, डस्ट को हटाने वाला। तो तीन तरह का है ना ये, मेरे को मिला हुआ गाइस 10 रुपये में। तो 10 रुपये में बहुत ही कमाल का चीज़ है और काफ़ी प्यारा दिखाई भी देता है। अगला कलेक्शन है हमारे पास गाइज एक ए वाला म्यूजिक का इरेजर सेट, ये देखिए गाइज, और ये भी बहुत ही कमाल का है, बहुत ही प्यारा भी दिखाई दे रहा है ना। इसके अंदर आपको मिल जाता है 1, 2, 3, 4, 5 तरह के म्यूजिक का सेट मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहला यहाँ पर है एक साउंड बॉक्स है, जिसमें वॉल्यूम को कम करने के लिए बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा पियानो दिया हुआ है और यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम है जिसमें स्पीकर आप यहाँ देख सकते हो कितना प्यारे बना हुआ है। और साथ में गाइज यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा, इसको क्या बोलते हैं, ये शायद पिपीरी है बजाने वाला, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। और साथ में हमारे पास यहाँ पर है गिटार का सेट, तो है ना गाइज बहुत ही कमाल का। तो कैसा लगा ये सेट मेरे को कमेंट में आप जरूर बता देना और इसी बात पे आप वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता हूँ दिखाने के लिए और ये मेरे को मिला हुआ है 80 रुपये में। अगला कलेक्शन है गाइज हमारे पास कुछ टॉर्च का कलेक्शन है, टॉर्च है, लाइट है, ये देखिए, ये मेरे को मिला हुआ है 10 रुपये में। और इस तरह के मेरे पास दो कलेक्शन है, ये देखिए, ये बहुत ही छोटे से होते हैं, बहुत ही प्यारे जलते हैं और इसको आप कहीं पर भी ले करके जा सकते हो। ये देखो कितना छोटा है ना, मेरे उंगली के थोड़ा सा बड़ा है, उंगली से थोड़ा सा बड़ा है और 10 रुपये का आता है, तो बहुत ही कमाल का है। फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज यहाँ पर दो तरह के पोपेट का सेट, ये देखिए, तो एक बटरफ्लाई है, कितना प्यारा ये दिखाई दे रहा है और साथ में ये स्क्वायर में बना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा पपेट है। जिनको भी खेलना पसंद होता है यार, इस तरह से खेला जाता है तो बहुत ही प्यारा ये साउंड करता है, काफ़ी पसंद आता है। और एक पपेट मेरे को मिला हुआ है 10 रुपये में, तो दोनों का प्राइस हो गया 20 रुपये में। तो इस तरह काफ़ी सारे पपेट हमारे पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको दो दिखा दिया। इसके साथ हमारे पास है गाइस एक और तरह का पपेट, ये देखिए, ये दिल का है और ये भी मेरे को 10 रुपये में मिला हुआ है, तो ये भी बहुत ही कमाल का पोपेट होता है। फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज, यहाँ पर मैं आपसे जल्दी दिखा देता हूँ, हमारे पास है एक डॉम्स का डूज, टू डूज, एक शार्पनर और इरेजर का सेट, जो कि मिल जाता है आपको 10 रुपये में। और ये देखिए यहाँ पर 2-in-1, मतलब कि ये शार्पनर है, यहाँ पर आप शार्प कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, और ये छोटा है, ये बड़ा है, इसी के अंदर आपको एक इरेजर का सेट मिल जाता है और 10 रुपये का मिलता है डॉम्स की तरफ से, बहुत ही कमाल का ये भी होता है। इसके साथ हमारे पास अगला कलेक्शन है यहाँ पर कुछ कॉमन से इरेजर का सेट, ये देखिए डॉम्स का है, डस्ट फ्री इरेजर है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास है अक्तरा का नॉन डस्ट इरेजर, ये ग्रिपो का है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। और साथ में यहाँ पर एक इरेजर का सेट है जिसमें हैंडल भी दिया हुआ है इस तरह से, तो ये बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये और 3 रुपये में से मिल जाते हैं। फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ये वाला एक शार्पनर का सेट और बहुत ही पारदर्शी है, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, ये देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है, ये मेरे को मिला हुआ है गाइज, आपको मिल जाएगा 5 रुपये में। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज ये तीन तरह के इरेजर का सेट, ये देखिए, एक अलार्म घड़ी है, एक बेबी है और एक बैग है, ये मैंने 35 रुपये में ख़रीदा था और 35 रुपये में एक चीज़ और इसके अंदर से इंक्लूड था और ये था एक कैंची, तो इसको मैं आपको वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ, ये देखिए, और ये बहुत ही प्यारा लगता है ना। और बेबी डॉल के साथ ये मिल जाता है, आपको चार तरह के चीज़ें मिल जाता है, तो ये इरेजर का सेट है। और फिर हमारे पास अगला अलग कलेक्शन है गाइस यहाँ पर रखा हुआ एक ये डॉम्स का इरेजर नर, ये देखिए गाइस, इसके अंदर से आपको मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ये एक इरेजर मिल जाता है, साथ में इधर से आपको मिल जाता है एक शार्पनर मिल जाता है और ये भी बाहर निकल जाता है इस तरह से, और ये 10 रुपये में आपको मिल जाता है और ये बहुत ही प्यारा इरेजर का सेट है, इसमें आपको इरेजर और शार्पनर दोनों मिल जाते हैं। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है डॉम्स की तरफ से आने वाला ये गाइज डस्ट कलेक्टर वाला ये शार्पनर का सेट, ये देखिए गाइज, काफ़ी सारे इसके अंदर से स्पेस मिल जाते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे पेंसिल का ये जो जितना भी डस्ट होगा उसको कलेक्ट करता रहेगा और ये इस तरह से रख भी सकते हैं आप इसको, तो ये भी बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, ये देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। फिर हमारे पास अगला
असाफर का सेट है गाइज एक, ये अप्सरा का टी डी अप, और इसके अंदर भी बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका एक डस्ट इरेजर का सेट हो गया, और साथ में यहाँ पर हो गया आपका एक शार्पनर हो गया। तो है ना, टू इन वन वाला ये शार्पनर और इरेजर का सेट। अगला कलेक्शन है गाइज हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल ही उसी तरह का ही है, ये है टी डी अप है। तो इस तरह के कलेक्शन मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। और अगला कलेक्शन है गाइज हमारे पास एक प्लांट वाला ये और शार्पनर का सेट, ये देखिए ये भी यहाँ से ऐसे निकल जाता है, ये देखिए कितना प्यारे दिखाई दे रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, आपको 10 रुपये मिल जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा है, मेरे हाथ पर ऐसा बैठा हुआ है, ये देखिए ये कहीं पर भी ऐसे आप इसको रख सकते हो, ये देखो कितना प्यारे से प्यारा से ये बैठ गया, तो आप इस तरह से इसको रख सकते हो। और अगला कलेक्शन गाइज हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ एक 10 रुपये का आने वाला अप्सरा का ये इरेजर का सेट, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 1, 2, 3 तरह के इरेजर का सेट मिलते हैं, और एक कलरफुल होते हैं, ये भी बहुत ही प्यारे होते हैं। और साथ में हमारे पास है गाइज एक बहुत ही प्यारा सा डॉम्स का एक इरेजर का सेट, ये देखो आप लोग को लगता होगा कि एक वाइटनर है, लेकिन ये वाइटनर नहीं है भाई, ये एक इरेजर का सेट है, विश्वास नहीं होता ना, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मुड़ जाता है, तो एक इरेजर है लेकिन बिल्कुल पेन के जैसा दिखाई दे रहा है, पेंसिल के जैसा दिखाई दे रहा है ना, कमाल का चीज़। ये मेरे को मिला हुआ है डॉम्स के, मैंने किट के अंदर से इसको निकाला हुआ है, तो बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर का है, तो कुछ इस तरह का है। अगला कलेक्शन गाइज हमारे पास कुछ इस तरह के रखे हुए बहुत सारे कॉमन से इरेजर व शार्पनर का सेट, जो कि है सबसे पहला है 621 नटराज है, शार्पनर है, फिर हमारे पास डोम का है, और फिर हमारे पास एक और डोम का है, तो आपको 5 रुपये से लेकर के 3 रुपये मिल जाता है। फिर यहाँ पर है नटराज का है, और ये आपको मिल जाता है गाइज, मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बताऊँ, ये आपको 3 रुपये मिल जाता है। साथ में हमारे पास है डोम का नॉन डस्ट कलरफुल इरेजर है, ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4 रुपये मिल जाएगा है। फिर हमारे पास गाइज सबसे बड़ा एक इरेजर का सेट है, ये है अप्सरा का, और ये नॉन डस्ट इरेजर है, और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही प्यारा है, ये देखिए मेरे उंगली से थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बड़ा है, और ये आपको अलग से खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा 5 रुपये में, तो 5 रुपये में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये मेरे को 5 रुपये मिला हुआ है। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज, यहाँ पर एक ट्राइंगल वाला डॉम्स का इरेजर का सेट, जो कि मैंने आपसे दिखाई दिया था, और फिर एक और है कलरफुल इरेजर का सेट, फिर यहाँ पर है अप्सरा का लॉन्ग पॉइंट शार्पनर, और फिर यहाँ पर भी है एक लॉन्ग पॉइंट शार्पनर, और फिर यहाँ पर गाइज हमारे पास है एक एरोप्लेन वाला ये एक शार्पनर, ये देखो यार बहुत ही प्यारा ये दिखाई देता है, पीछे से बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे मछली है, और यहाँ से भाई साहब एक शार्पनर का सेट तो नहीं लगता है, लगता है जैसे कि एरोप्लेन ही है, लेकिन यहाँ से देखो यार ये एक है ना पेंसिल का शार्पनर, चलो मैं इसको निकाल के दिखाई देता हूँ, ये देखो यार बहुत सारे इसके अंदर से स्पेस मिल जाते हैं, इतने ढेर सारे स्पेस इसके अंदर से मिल जाते हैं, ये मेरे को मिला हुआ है 5 रुपये में, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज, यहाँ पर डॉम्स का एक और ट्रायंगल वाला डॉम्स का और इरेजर का सेट, और ये भी बहुत ही प्यारा है, और फिर इसका मैं आपसे दाम बता देता हूँ आपको कितने रुपए में मिलेगा, इसी आपको मिलेगा 3 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है इतने ढेर सारे, जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके पेन को चला कर भी दिखाने वाला हूँ, इतने ढेर सारे, एक है हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग पेंसिल शार्पनर है, और ये हमारे पास डॉम्स का क्रिस्टल शार्पनर है, जो कि आपको मिल जाता है 5 रुपये में गाइज, और ये भी बहुत ही कमाल का होता है, चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूँ आपसे, ये देखो है ना कमाल का चीज़। और फिर इसी के अंदर एक हमारे पास है फ्रंटियर का 305 ये शार्पनर का सेट, और फिर हमारे पास है गाइज ये कुछ इरेजर का सेट, सबसे पहला है डॉम्स का है, और फिर हमारे पास है गाइज एक चाबी वाला इरेजर का सेट, ये देखिए की है ना कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना, की वाला सेट, और ये भी आपको मुड़ ही जाता होगा, ये देखो यार इरेजर का सेट कितना प्यारा है, मुड़ जा रहा है। फिर इसी के अंदर एक और प्लांट है हमारे पास, और फिर हमारे पास है एक गिटार का सेट, ये भी एक इरेजर का सेट ही है, जो कि मेरे को मिला था स्नैक्स के अनबॉक्सिंग के दौरान। और फिर गाइज हमारे पास है इतने ढेर सारे पेन का कलेक्शन, और एक यहाँ पे रह गया डॉम्स का, जो कि मैंने आपसे दिखाई दिया था, चलो सबसे पहले क्या उसमें से उठाते हैं, सबसे पहले इसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ,
एक हमारे पास है ये एक छोटा सा प्यारा सा सिट्टी, चलो मैं इसको बजा के आपसे दिखाई देता हूँ। तो बहुत ही कमाल का ये बजता है और ये मेरे को मिला हुआ है गाइज 10 रुपये में। और ये देखो बजता भी है इस तरह से, और इसके अंदर से ये जो टंगना है ना बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा है। इसको अपने गर्दन में टांग भी सकते हो और किसी को भी मतलब बुला सकते हो अपने पास बजा करके। और फिर गाइज हमारे पास है इतने ढेर सारे पिन कलेक्शन। सबसे पहला इसमें हमारे पास है गाइज ये 2 तरह का फिश वाला पिन, ये देखिए गाइज बिल्कुल ये एक फिश जैसा ही दिखाई देता है, मछली जैसा ही दिखाई देता है। और इसके मैं दोनों तरफ ऐसे कर देता हूँ, ये देखो यार इसे कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना प्यारा ये बना हुआ है। इसको चला के एक बार दिखा देता हूँ, ये मैंने निकाल दिया, इसको मैंने निकाल दिया, और ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल मछली के जैसा आकार का। इसकी आँखें हैं, गलफड़ा है, पूँछ है, सब कुछ बना हुआ है। तो जल्दी से इसको चला के दिखा देता हूँ मैं। और सब्सक्राइब यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर देना। ये देखो कितना प्यारा ये चल रहा है ना, और ये भी ऐसा ही चलता है। तो ये मेरे को मिला हुआ है गाइज और 30 रुपये में मेरे को एक पेन मिला हुआ है, तो दोनों पेन का दाम हो गया 60 रुपये मेरे को ये मिला हुआ है। खास तौर पर मैं आप लोग के लिए खरीद करके ले करके आता हूँ। और फिर गाइज हमारे पास है यहाँ पर एक कंघी वाला प्यारा सा पेन का कलेक्शन, ये देखो यार इससे आप अपने बाल को भी झाड़ सकते हो, पेन के जैसा लिख भी सकते हो, और तो और कहीं पर अपने शरीर में इस तरह से खुजला भी सकते हो। यार ये देखो है ना कमाल का चीज़। तो ये मैंने लाया है आप लोग के लिए 20 रुपये में खरीद करके। इसको मैं चला के दिखाई देता हूँ यार, ये देखो ये पीछे से निकल गया लेकिन ये निकलता है एक्चुअल में यहाँ से निकलता है, ये देखो है ना पेन। चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूँ एक बार, ये देखो थोड़ा सा ये रखे रखे हो गया है लेकिन ये चलता है, बहुत ही प्यारा ये भी चलता है और बहुत ही कमाल का ये भी है। ये भी कलेक्शन बहुत ही प्यारा मेरे को लग रहा है। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज, यहाँ पर कुछ पेंसिल का कलेक्शन भी है यहाँ पर, जैसे कि 2 पेंसिल है हमारे पास, एक और पेंसिल है हमारे पास, और ये पेंसिल है गाइज यहाँ पर डॉम्स का है, और ये है HB/2 सुपर डार्क पेंसिल है, बहुत ही कमाल का ये भी चलता है, काफ़ी डार्क चलता है। और ये मेरे को मिला हुआ है किट के अंदर, लेकिन आपको अलग से मिल जाएगा 7-8 रुपये में आपको एक पेंसिल मिल जाएगा। और फिर गाइज हमारे पास है एक और पेंसिल का कलेक्शन, ये देखिए गाइज एक पेंसिल है, जैसे मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा ना तो इसके अंदर से नीडल निकलता है, ये देखिए निकल रहा है ना यहाँ पर, देखो कैसे दिखाई दे रहा है ये देखो। तो ये भी बहुत ही कमाल का एक पेंसिल का सेट है, और जैसे ही इसको अंदर डालना होगा ना इसको प्रेस करते रहेंगे और ऐसे तबे को तो अंदर चला जाएगा। तो ये मेरे को मिला हुआ गाइज 10 रुपये में मेरे को मिला हुआ है, और बहुत ही प्यारा ये भी मेरे को लगता है। और फिर गाइज हमारे पास है यहाँ पर कुछ और पेन का कलेक्शन है, तो ये पेन का कलेक्शन है, इसको मैं निकाल के बस चढ़ा ही देता हूँ। इसको यहाँ से नहीं चलाते हैं गाइज, इसको यहाँ से चलाते हैं। वाह, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखो ये रखे रखे ख़राब हो जाते हैं कई बार, ये देखो चल रहा है ना। इसके ऊपर यूनिकॉर्न का एक बहुत ही प्यारा सा ये चित्र बना हुआ है, और बहुत ही प्यारा है ये, और बहुत ही मतलब ये हाथ में लेने पर इस तरह से बहुत ही अच्छा से महसूस भी कराता है, ये देखो। तो है ना कमाल का, ये मेरे को मिला हुआ है 30 रुपये में, और 30 रुपये का ये भी बहुत ही कमाल का है। और फिर हमारे पास इसी में का एक और है, एक ये है, लेकिन ये गाइज पेंसिल का सेट है, ये पेन नहीं है। तो जल्दी से मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखो एक पेंसिल है, और पेंसिल वही है जिसके आगे से निकालेंगे और पीछे से इसको डालेंगे तो आगे से दूसरा निकल जाएगा, ये देखो ये निकल गया। तो ये भी बहुत ही कमाल का पेंसिल का सेट है, और ये मेरे को मिला हुआ है 20 रुपये में, तो ये बहुत ही कमाल का है। और फिर हमारे पास यहाँ पर पेंसिल का कलेक्शन में कुछ और है, एक ये है हमारे पास पेंसिल का कलेक्शन, और साथ में एक और ये है हमारे पास पेंसिल का कलेक्शन, ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है ना। और आगे से जब इसके रिफिल को इस तरह से निकालेंगे तो बिल्कुल एक पेंसिल हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको इसको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार, इसको मैंने निकाल दिया, ये देखो एक पेंसिल हो गया ना। और जिस तरह से होता है ना इसको पीछे से ऐसे निकालेंगे, निकालता हूँ मैं, और आगे ऐसे लगाएंगे तो ये जो नीडल है ये पीछे चला जाएगा और जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, ये देखो कितना प्यारा एक पेंसिल दिखाई दे रहा है। और मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे हैं। और फिर इसमें अगला कलेक्शन है गाइज हमारे पास कुछ इतने ढेर सारे पेन और पेंसिल कलेक्शन। सबसे पहला हमारे पास है एक मक्के का बाल, ये देखो भुट्टा है ये, लेकिन भुट्टा के रूप में ये भी एक पेन ही है, मैं चलो दिखा देता हूँ, ये देखो। और ये बहुत ही प्यारा ये भी चलता है, और ये मैं आप लोग के लिए लेकर गया हूँ 20 रुपये का सेट, और ये बहुत ही कमाल का पेन है।
और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज एक पेन, और इस पेन के अंदर आपको मिल जाता है चार रिफिल मिल जाते हैं और चारों चारों कलर बिल्कुल अलग अलग है। सबसे मैंने आपको इसको दिखाता हूँ, मैंने ग्रीन को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखो तो ये ग्रीन चल रहा है और बहुत ही प्यारा ये भी चल रहा है। चलो मैं आपको एक बार और से ब्लू वाले को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो तो 4x1 है ये पेन, बहुत ही कमाल का है। इसके अंदर आपको चार रिफिल मिल जाते हैं और इससे पीछे हो जाता है, ये देखिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ये पेन। ये मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, खास तौर पर आप लोग के लिए लाया हूँ 15 रुपये का सेट, ये देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो 15 से 20 रुपये हमको मिल जाएगा। फिर हमारे पास अगला कलेक्शन गाइज यहाँ पर रखा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा ये चाकू का सेट, लेकिन ये चाकू नहीं है, चाकू के रूप में एक पेन है। चलो मैं कैसे आपसे दिखा देता हूँ, ये देखो है ना ये पेन, इस तरह से पकड़ करके आप इसको लिख सकते हो, ये देखो ये भी बहुत ही प्यारा चलता है, बहुत ही कमाल का ये भी चलता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, खास तौर पर आप लोगों के लिए 20 रुपये का लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज एक बंदूक वाला पेन, ये देखो यार बहुत ही प्यारा ये भी लगता है और काफ़ी सारे वीडियो में इसको दिखा भी चुका हूँ। चलो एक बार इसको चला कर दिखा देते हैं, ये देखो यार और बहुत ही प्यारा ये भी चलता है। थोड़ा सा ठंडी के दिन में ये जम गया है, लेकिन ये चल रहा है, ये देखो चल रहा है, तो बहुत ही प्यारा ये भी चल रहा है। और ये मैं लाया हूँ आप लोग के लिए 30 रुपये का लेकर आया हूँ, बहुत ही कमाल का पेन है ये भी, है बहुत ही प्यारा लगता है। और फिर हमारे पास गाइज एक और कलेक्शन है एक ये वाला हिलता डुलता पेन, ये देखो ये किस तरह से हिल रहा है ना। तो ये मैं लेकर आया हूँ खास तौर पर आप लोग के लिए 20 रुपये का लेकर आया हूँ, इसको मैं चला के दिखाई देता हूँ, ये देखो ये बहुत ही प्यारा चल रहा है ना, तो ये बहुत ही कमाल का पेन है, ये मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए 20 रुपये का लाया हूँ। और फिर हमारे पास अगला कलेक्शन है गाइज एक छोटा सा प्यारा सा पेन का कलेक्शन, और बहुत ही छोटा है, मेरे उंगली के बराबर है, ये देखो इतना बराबर है और ये भी बहुत ही प्यारा चलता है। ये देखो मैं चला रहा हूँ इसको, और ठंडी के मौसम में जम जाता है इसलिए चलता नहीं है गाइज, ये चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे कलेक्शन हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे इतना सारा पेन दिखाया तो मेरा हाथ धो के इस तरह से भर गया। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ।